भैया जी आलू कैसे दिए? अच्छा टमाटर, हाँ वो दे दो। मेरी चेन, मेरी चेन दो, मेरी चेन दो। ओए क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए। बोलो मेरी चेन कहाँ है? दे दो मेरी चेन। आंटी ये अपने चड्डा अंकल हैं। इन्होंने आपकी चेन नहीं तोड़ी, ये तो इस तरफ सब्जी ले रहे थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा तो फिर मेरी चेन कौन तोड़ के ले गया? आपने तो मुझे बिना वजह ही पीट दिया। चोर कोई और है और वो यहीं कहीं है। पता नहीं कैसे ये चोर लगातार सोने के जेवर चोरी कर रहा है और किसी को दिखता नहीं, ये अदृश्य चोर। दादाजी आज तो लगातार चोरियां हो रही है। और पता है दादाजी, मैंने अजीब सी चीजें भी देखी। कोई ट्रांसपेरेंट जैसा ह्यूमन शेप रूफ टॉप से भाग रही थी। ट्रांसपेरेंट ह्यूमन शेप, ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे रिसर्च करता हूँ। चैन से घूमना है तो सोना पहन के मत निकलो, क्योंकि आ गया है सोना चोर। हमारा स्पेशल प्रोग्राम रात 8 बजे देखें। भागो चोर आया। वीर जैसा तुमने बताया उस हिसाब से अंदाजा लगता है कि ये कोई बाहरी शक्ति है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उन्हें सोने की जरूरत किसी विशेष काम के लिए है। तो ठीक है दादाजी, अब इन्हें सोने का ट्रैप लगा कर ही पकड़ना होगा। ये देखो कितना सोना है। तुम यहाँ के निवासियों को परेशान कर रहे हो। तुम वही गलती कर रहे हो जो अपने प्लेनेट पे करते थे, सबको परेशान करना, जिस वजह से हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हमें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम कमजोर थे और ये दुनिया ताकतवरों की है। हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारा सोना इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वो घातक हथियार बन पाएगा। चार्ली ठीक कहता है। नहीं, हमें दूसरों को तंग करने की बजाय ऐसे प्लेनेट पे जाना चाहिए जहाँ हम आराम से रह सकें और कोई हथियार बनाने की जरूरत ना हो। दोस्तों अचानक शहर में गोल्ड की चोरियों की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए सबसे निवेदन किया जाता है कि सब लोग अपने अपने सोने के जेवर सेंट्रल हॉल में रख दीजिए, जब तक चोर को पकड़ा ना जाए। वहाँ पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा, आपका सोना सेफ रहेगा। आपका दोस्त रोमो बॉय। अब देखता हूँ कैसे बच के जाता है। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन, नाम है वीर, वीर द रोबो बॉय। Huh?
Drill suit on. Drill suit on. तुम बहुत बहादुर हो वीर, तुमने इनको अच्छा सबक सिखाया है। आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाइए और हमारे लोगों का सोना वापस कर दीजिए। ये लो। ब्रावो, प्लीज हमें यहाँ मत छोड़ो। प्लीज ब्रावो, हमें साथ ले चलो। एक शर्त पे कि फिर कभी दूसरों को तंग नहीं करोगे। हम अपने रहने के लिए एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लेंगे जहाँ हम आराम से रह सकें और किसी को तकलीफ भी ना हो। प्रॉमिस, वी प्रॉमिस। चलो अच्छा हुआ, सबका सोना मिल गया। चलो अब सबको वापस करते हैं। बच्चों, इस जगह हम स्पोर्ट्स सेक्शन एंड साइंस लैब्स बनाने वाले हैं। सर सर सर, मैं स्पोर्ट्स सेक्शन और साइंस लैब के लिए जितना भी सामान चाहिए सब डोनेट करूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। सर सर, मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप चिंता ना करें, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वीर, तुम क्या दोगे स्कूल को? बंटी से सॉरी। सॉरी वीर। बॉस, वीर आपके रोबोट्स को तो हराता ही था, लेकिन आज तो उसने एलियंस को भी हरा दिया। वीर का कोई मुकाबला नहीं, वीर सच में वीर है। टिम्बक्टु, आज तक वीर मुझसे बचता रहा, लेकिन अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं मैड मैक्स हूँ, अब देखो मैड मैक्स की मैडनेस। अब शुरू होगा सबसे बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले में वीर की हार होगी। बॉस, मुझे नहीं लगता आप वीर से इस मुकाबले में जीत पाओगे। शट अप टिम्बक्टु, ये देखो, ये है मेरा नया रोबोट सीमेंटो। इसकी पावर्स के सामने वीर की एक नहीं चलेगी। ये वीर के स्कूल में सीमेंट मिक्सर में छुपा रहेगा। जब वीर वहाँ आए तो तुम इस रिमोट से सीमेंट मिक्सर चला देना और सीमेंट तो बाहर आ जाएगा और सीमेंट फेंक फेंक के वीर को फ्रीज कर देगा। एक सीमेंट मिक्सर तो यहाँ खड़ा है, ये दूसरा किसने मंगवाया? ये मैं लाया हूँ आपके लिए एक तोहफा। Drill suit on. Metal Bomb Boy!
क्यों रोबो बॉय? रोबो बॉय! Come on, attack! देखे कितना दम है। बॉस बॉस, सीमेंटो ने मुझे ही जमा दिया है बॉस। करोगे रोबो बॉय? लोगों को बचाते फिरते हो, लेकिन अब खुद को कैसे बचाओगे? बाय बाय रोबो बॉय। सीमेंटो, खत्म कर दो इसे। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। वीर, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। थैंक यू रोबो बॉय। थैंक यू रोबो बॉय, तुमने आज हमारे स्कूल को बचा लिया। तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? वीर, रोबो बॉय आया था। ओह नो, आई मिस्ड हिम। खैर, अगली बार मिल लूंगा। चलो क्लास चलते हैं। सॉरी बॉस, वीर और सीमेंटो के मुकाबले में सीमेंटो की हार हुई बॉस। नहीं, तुम किसी काम के नहीं। तुम्हें क्या लगता है, एक सीमेंटो के हारने से मैड मैक्स हार गया? मैड मैक्स इज बैक। बॉस आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके सामने वीर की एक भी नहीं चलेगी। मैं अभी वहां आता हूँ। बॉस बॉस, ये हैट कैसा लग रहा है? तुम्हें किसने कहा टोपी वाले को यहाँ बुलाने के लिए? इसे बाहर भेजो, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। अरे वाह, ये तो वाकई बड़े काम की चीज है। कौन है ये?
मुझसे मिलाओगे नहीं? आपसे ही तो मिलाने लाया हूँ बॉस। प्लीज मीट द फेमस किंग ऑफ हैट्स, मिस्टर हैटमैन। हेलो मिस्टर मैड मैक्स। हेलो वेलो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे ये हैट्स और क्या क्या कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जिस रोबोट के सर पे ये हैट पहना दिया जाए वो रोबोट मेरी कमांड में आ जाएगा। थैंक यू मिस्टर मैड मैक्स। दोस्त मिस्टर हैटमैन, क्या तुम वीर को पकड़ के ला सकते हो? Yes, ला सकता हूँ। Mad Max is glad, very very glad। वीर, सीमेंटो को हरा कर ये मत समझना कि तुमने मुझसे मुकाबला जीत लिया। अब तुम्हारा मुकाबला उससे भी खतरनाक हैटमैन से होगा, जिसके हेड की पावर्स के आगे तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं। अब वीर मेरा गुलाम बनेगा। वो देखो जो तीन बच्चे आ रहे हैं उसमें दुबला वाला स्मार्ट लड़का वीर है, बाकी दो उसके दोस्त हैं इमली और चिंटू। चुलबुल डोंकी भी उसका दोस्त है। वाओ, कितनी अच्छी हैट है। प्लीज मुझे वो वाली हैट दिखाओ। ये लो, सबसे बढ़िया हैट है और वो भी बिल्कुल फ्री। पहले मुझे दो, पहले मैंने मांगा। नहीं रुक जाओ तुम, लो बेटा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। अरे फ्री दे रहा हूँ। मैं फ्री की चीज नहीं लेता। बदतमीज, मेरे हैट की इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा इमली चुलबुल वहां से भागो। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ए लड़की, चलो बताओ कहाँ होगा वीर? मैं यहाँ हूँ, हिम्मत है तो आओ मुझे पकड़ो। Repair will be done in 8 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Very smart. But
बच के कहाँ जाओगे बच्चू? आज मेरे हैट्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज तक कोई मेरे हैट्स का मुकाबला नहीं कर पाया और तुम एक छोटे से बच्चे मेरे सारे हैट बर्बाद कर दिए। बचाओ बचाओ हेल्प वीर बचाओ। मिस्टर हैटमैन कुछ करो, वो देखो वीर आ रहा है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। बाय बाय वीर। वीर देखो मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ और तुम्हें शांति से ही ले जाने आया था और मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम किसी काम के नहीं हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस मुकाबले में मैं वीर को हरा के रहूंगा। आज नेशनल बर्थडे है और आज मैं वीर को एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। बॉस आपने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया और आज वीर के लिए गिफ्ट। बेवकूफ, इसी गिफ्ट से ही तो वीर की हार होगी। टिम्बकटू मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। वीर ये लो चिड़ियों के लिए और दाना। बच्चों पता है आज नेशनल बर्ड्स डे है। हाँ दादाजी, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि चिड़ियों को बचाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। वेरी गुड वीर, काश तुम लोग डोंकीज डे भी मनाते और मुझे खूब सारी गाजर खिलाते। टिम्बकटू ये देखो ये क्या है। ये है मेरा नया रोबोट मैड मिंगल। ये फ्लेमिंगो नहीं, इसका नाम मैंने मैडमिंगो रखा है। ये परफेक्ट बर्ड रोबोट है। ये लेजर बीम फायर कर सकती है, कुंग फू कराटे कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। ओ, ये कुंग फू कराटे भी कर सकती है? हाँ कर सकती है, कोई शक है? ओके मैडमिंगो, तुम बॉस को कुंग फू कराटे करके दिखाओ। बॉस बचाओ मैडमिंगो। अरे ये सब बॉस को दिखाना था मुझे नहीं। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। टिम्बकटू जाओ और इस मैडमिंगो को ले जाकर वीर को पकड़ के ले आओ, और वो पकड़ में नहीं आए तो उसे वहीं खत्म कर दो। अब जाओ। ओके बॉस। मेरी कमर। ये रिमोट ले जाओ। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। वीर कभी सोच भी नहीं सकता कि एक बर्ड इतनी खतरनाक हो सकती है। वीर तैयार हो जाओ मेरे सबसे खतरनाक रोबोट से मुकाबले के लिए। चल मेरे मैडमिंगो, अब वीर के आते ही
मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। इमली सामने देखो, वो फ्लेमिंगो दिख रहा है। वो फ्लेमिंगो नहीं, मैडमिंगो है, और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है वीर। वो एक खतरनाक रोबोट है वीर। मैं अभी इस मैडमिंगो को अपनी दुलत्ती से ठीक करता हूँ। तुम यही रुको वीर। ए, मैडमिंगो, वीर तक पहुँचने से पहले तुम्हें इस चुलबुल नाम की दीवार को तोड़ना होगा। आ जाओ, हो जाए दो दो लात। वीर बचाओ। सॉरी सॉरी, मैं खुद को रोबो डोंकी समझने लगा था। अरे मैडमिंगो, मैंने वो दीवार वाली बात मजाक में कही थी दोस्त, तुम तो सीरियस हो गए। अब इस दीवार को तोड़ ही दोगे क्या? वीर अब तुम लड़ो, मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो बताना। आज नेशनल बर्ड्स डे है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अभी भी समय है, लौट जाओ। ये बर्ड नहीं रोबोट है वीर, हिम्मत है तो लड़ो वरना चुपचाप हमारे साथ चलो हमारे बॉस के पास। बॉस, लड़ाई चल रही है पर मैडमिंगो कमजोर पड़ रहा है। उससे कहो कि वीर को पंजों में पकड़ के उड़ा के ले आए। बॉस, वो उड़ भी सकता है, ये तो मुझे पता नहीं था। वो तो जमीन पर भाग दौड़ के ही लड़ रहा है। उसके रिमोट में फ्लाइंग का बटन है, वो दबाओ जल्दी। बटन दब गया जी। बॉस बॉस, वो तो मुझे छोड़कर भाग गया। वो उन बादलों के बीच कहीं छुपा हुआ है और बहुत गुस्से में लग रहा है। कौन छुपा है? दादाजी, एक फ्लेमिंगो जैसा रोबोट था जिसने वीर पे हमला किया था। देखिए उसके चीखने की कितनी आवाजें आ रही हैं। तुम लोग अंदर चलो वरना वो कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। सूट ऑन। वो देखो, एक लड़का हमारे किसी दोस्त को मार रहा है, चलो उसको सबक सिखाते हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वो फ्लेमिंगो नहीं एक रोबोट है। बच्चे हमें उल्लू बना रहे हो? हम उल्लू नहीं फ्लेमिंगो हैं। सॉरी बच्चे, तुम सही थे, हम इसकी शक्ल देखकर धोखा खा गए थे। मारो इसे, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, मेरा नाम वीर है। वीर, ये बिजली वाले बादल हैं, यहाँ से दूर चले जाओ वरना जल जाओगे। वीर, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ वरना जल जाओगे। वीर वाह, क्या तरकीब लगाई है। थैंक यू, बाय बाय,
अब घर जाने का समय हो गया है। वीर, वो मैडमिंगो कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएगा। बॉस बॉस, वीर ने बड़ी होशियारी से मैडमिंगो को मुकाबले में हरा दिया। चुप रहो टिम्बक्टू। वीर ये मत सोचो कि मुकाबला खत्म हो गया, मुकाबला तो अभी शुरू होने वाला है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ये है मैड मैक्स की भूल भुलैया। एक बार वीर को इसमें फंसा के इसे एक्टिवेट कर दिया तो वीर कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। You are genius, boss. Super duper genius. अब ऐसा मुकाबला होगा जैसा आज तक किसी ने ना देखा होगा और ना ही सुना होगा, क्योंकि अब कुआं खुद चल के प्यासे के पास आएगा। टिम्बक्टू, क्या कर दिया टिम्बक्टू? भूल भुलैया एक्टिवेट हो गई है। मुझे सड़क पार करा दे प्लीज। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। इमली, वापस आ जाओ। इमली! चिंटू, जल्दी बाहर आ जाओ चिंटू। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वीर अंदर क्या है? चलो अंदर। इमली, इमली! इमली, आज वीर की अकल का इम्तिहान है। देखना है कि वो इस भूल भुलैया में तुम्हें ढूंढ सकता है या नहीं। वीर, इस बार तुम बुरी तरह फंस गए। अब इमली को कैसे बचाओगे वीर? तुम अंदर तो आ गए हो लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। साउंड डायरेक्शन डिटेक्शन ऑन। अब मुझे इस नीडल के डायरेक्शन में ही जाना है। इमली वहीं होगी। सॉरी दोस्तों, अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तक भागोगे वीर? कभी ना कभी तुम्हारी बैटरी डाउन हो ही जाएगी और तुम मेरे कब्जे में होगे। वीर! कहाँ वीर? अब क्या करोगे वीर? इतने सारे रोबोट तुम्हारा वेलकम करने को तैयार है।
इमली बुला रही है वीर, जाओगे नहीं उसे बचाने के लिए? एंटी लेजर कवर ऑन। एंटी लेजर कवर ऑन। Charge on. Full power from robot's battery. Pulling power from robot's batteries. Battery full. Thank you. Chal bhai Timbuktu, bhag le yahan se tu. Thank you, me. हीट सीकिंग डिवाइस ऑन। ये तो मेरे ही पैरों के निशान हैं। इनको ही फॉलो करते हुए हम बाहर चले जाएंगे। वीर, तुम आ गए। ओ, शुक्र है ऊपर वाले का। चलो पहले बाहर तो चलो। बॉस, आपके सबसे बड़े मुकाबले के सारे मोहरे हार गए और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बॉस कुछ करो, बॉस कुछ करो, कहीं आप हार ना जाओ। I am mad. Mad Max कभी फेल नहीं हो सकता। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास ऐसा प्लान है जिसका जवाब वीर के पास भी नहीं होगा। इस मुकाबले में कोई और नहीं बल्कि खुद वीर ही वीर से लड़ेगा। बॉस यू आर जीनियस, बॉस यू आर जीनियस। जाओ और डॉक्टर प्रेम साय के घर से वीर को बनाने का फॉर्मूला चोरी करके ले आओ। वो फॉर्मूला किसी न किसी हार्ड डिस्क में जरूर होगा। जाओ टिम्बक्टू, डॉक्टर प्रेम सहाय के घर से वो हार्ड डिस्क लेकर आओ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस, यू जीनियस बॉस। हाय इमली चुलबुल। यही कहीं डॉक्टर प्रेम सहाय का सीक्रेट लैब होना चाहिए। एक्सरे विजन से देखता हूं। बॉस, मैं लैब की सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ और मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर दिया है। Mad Max is glad, very very glad. Timbuktu, अभी मैं अपने मॉनिटर पर लाइव देखता हूँ। Huh?
दादाजी आप ठीक है ना? क्या हुआ था? हाँ वीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, लैब का दरवाजा तो खुला है। दादाजी, हार्ड डिस्क तो चोरी हो गई है। वीर, हार्ड डिस्क में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे हमें उसकी लोकेशन की जानकारी मिल सकती है। जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाओ। वो देखो, ट्रेन की इस कोच में हमारी हार्ड डिस्क है। हमें जल्दी से उस डायरेक्शन में ट्रेन का पीछा करना चाहिए। ट्रेन में वीर हमें नहीं ढूंढ पाएगा और हम उसकी हार्ड ड्राइव लेकर बहुत दूर निकल जाएंगे। बॉस बॉस, वीर अपनी स्पेसशिप से हमारा पीछा कर रहा है। टिम्बक्तु, अपने रोबोट से वीर की स्पेसशिप पर अटैक करो। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा।